आज की इस वीडियो में आपको एसएससी जेई 2024 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की जो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जिससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस यहां पर आउट की गई उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनसे कि आने वाले सभी जॉब्स वैकेंसी के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे केकेएस इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सएप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। अभी जो है टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से, जिसमें कि अभी प्राइस यहाँ पर कम हो चुकी है और ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे PKO3PL तो और भी जो है प्राइस यहाँ पर कम हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, पास प्रो या ईयरली मंथली या लाइफ टाइम जो भी आप बाय करना चाहते हैं यहाँ से जरूर से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बिहार में भी जेई की वैकेंसी आने वाली है तो आप यहाँ पर बिहार जेई का भी टेस्ट यहाँ पर सीरीज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो भी आपका अलग अलग स्टेट जेई हो गया या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में RRB जेई होगी, सभी की टेस्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी मॉक टेस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑफर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से यहां पर बाय करके यहां पर अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फोन में पहले से होगा तो ये कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL तो भी आपका प्राइस जो है कम हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आउट की गई है और इसकी जो एसएससी जेई की एग्जाम्स की आंसर की जो अभी यहाँ पर आउट हो गई है, जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं, कल ही आउट हो गया था, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं जरूर से देख सकते हैं। 5 से लेकर के 7 के बीच में इसके डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पर एग्जाम्स हुए थे यहाँ पर पेपर 1 का, तो जो भी कैंडिडेट इसमें यहाँ पर अपेयर हुए होंगे अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। एवरेज स्कोर क्या रहा होगा इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं जो कि ऑल शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि यहाँ पर एनालिसिस किया गया अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम्स में, यहाँ पर जो टोटल का एवरेज निकाला गया है, एवरेज स्टूडेंट्स के यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 जून, उसके बाद 6 जून, 5 जून, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे सभी का यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि जो भी जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का यहाँ पर एनालिसिस किया गया जो भी डेटा के साथ, तो यहाँ पर जैसे कि 886 स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो एवरेज मार्क है 85.868, ये आपको 7 जून 2024 के यहाँ पर 5 PM से 7 PM वाले आपको इवनिंग शिफ्ट में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है। उसी तरीके से यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको 6 जून को 9 से 11 के बीच में जो एग्जाम्स हुई थी उसके यहां पर 89, जिसमें कि 2812 कैंडिडेट्स का यहां पर अपेयर हुए थे। उसके बाद यहां पर 5 जून 2024 का 5 से 7 यहां पर टाइमिंग में आपको 90 यहां पर रॉ स्कोर गया है, तो इसमें जो है आपका यहां पर नॉर्मलाइजेशन करके थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा, अलग अलग जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें जो है आपको स्कोर में यहाँ पर कम ज़्यादा कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क आप देखोगे तो 98.966 ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क इस रॉ स्कोर में एनालिसिस में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो कट ऑफ जो जाती है ना यहाँ आपको, ये सिविल इंजीनियरिंग की है, कट ऑफ जो जाती है आपको 100 से लेकर के 110 के बीच में रहती है, जो कि प्रीवियस ईयर डाटा आप देखोगे तो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ्स वगैरह है 100 से 110 के बीच में आपको अगर मार्क है, 110 से ऊपर है तो अच्छी बात है, 110 से अगर आपको 100 से 110 के बीच में तो आप होप कर सकते हो कि पेपर 1 में आपका रिजल्ट यहाँ पर हो सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आंसर की का डेट खत्म होने के बाद ढूंढते रहते हैं कि आंसर की कैसे डाउनलोड करें, तो अभी उनके पास टाइम है, अगर आप अभी भी आंसर की यहां पर डाउनलोड नहीं किए तो कर सकते हो। हालांकि बाद में एक और आंसर किया था जो कि रिवाइज्ड आंसर की होता है, अभी आपको ये ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया गया, आप यहां से 12 से लेकर के 15 के बीच में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर आप सही बनाए हो लेकिन उनके तरफ से गलत किया गया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन हो या आंसर हो या ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, तो आप कोई भी तरीके से आप यहां पर चैलेंज कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। उनके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। यहां पर डेट है 15 जून 2024, ये लास्ट डेट है 8 बजे PM तक, तो इस डेट से पहले अगर आपको कोई लगता है कि आपको चैलेंज करना चाहिए तो ज़रूर से कोई क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसको वहाँ पर वेरीफिकेशन होता है और उसके बाद अगर उनको सही लगता है, सही आप अगर किए होंगे चैलेंज, तो उसको आपको नंबर जो है सभी को जुटेगा और आने वाले दिनों में इसकी रिवाइज आंसर की फिर से जारी होती है, तो उस टाइम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स वगैरह रिलीज़ की जाती है।
तो इसमें कैसे आंसर की आपको चेक करना है या आपको कैसे चैलेंज करना है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ssc.gov.in जो न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में जाइए, लॉगिन करके अपना जो भी डिटेल्स है यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आना है। माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा एप्लीकेशन डिटेल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा जो भी ईयर्स है, यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड में ईयर 2024 में आपको यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा एग्ज़ाम्स नेम का। तो यहां पर जेई का जो 2024 का जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 का यहां पर डिटेल्स आ जाएगा। तो यहां पर कैंडिडेट्स का नेम्स आ जाएगा और 2024 में यहाँ पर दिख जाएगा कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट यहाँ पर कितने किए हैं। यहाँ पर आपको जो भी आप सक्सेसफुली पेमेंट जिसमें सबमिट किए होंगे तो एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप चैलेंज सिस्टम में आकर के यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का सेक्शन दिख जाएगा जिसमें कि आपको अपना रजिस्टर रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके आपको चैलेंज करना है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको आंसर की चेक करने का, तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो नोटिस है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस वीडियो मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सएप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं।